इंजीनियरिंग स्टूडेंट मैं गौरव भड़ाना आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार परीक्षा गुरु कैरियर एकेडमी मुरादाबाद में। सॉरी फॉर सेशन जो है थोड़ा लेट शुरू हुआ उसके लिए सॉरी। और आप हम आज जो आज क्वेश्चंस करने वाले हैं हम लोगों का बायो का टॉपिक है। जो टॉपिक होगा वो होगा आपका ब्लड और सर्कुलेटरी सिस्टम से। तो हम उसके 30 से 35 क्वेश्चन करेंगे जिसमें आप लोगों के सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सर स्लाइड। यहां पे स्क्रीन पे आपका पहला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में है इनमें से किसे राजसी बीमारी के नाम से भी जाना जाता है। विच ऑफ द डिजीज इज ऑल्सो नाउन एज रॉयल डिजीज। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं हीमोफीलिया वर्णांधता कैंसर या इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग आंसर करेंगे। यहाँ पे स्टूडेंट गुड इवनिंग जोगेश दिव्यांशु तनुजा सागर कामिनी उसपाल राश्री रश्मि। ठीक है तो स्टूडेंट आंसर करेंगे इनमें से किसे राजसी बीमारी के नाम से या रॉयल डिजीज भी कहा जाता है। हीमोफीलिया वर्णांधता कैंसर या इनमें से कोई नहीं। इसमें आप लोगों को पता है जो हीमोफीलिया होता है ठीक है हीमोफीलिया ये बीमारी जो होती है ये एक आनुवांशिक बीमारी है। ठीक है जेनेटिक डिजीज को कहा जाता है। जेनेटिक डिजीज का मतलब होता है कि ऐसी बीमारी जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होती है। और ये बीमारी जो सबसे पहले हुई थी ये बीमारी ब्रिटेन की महारानी को हुई थी। ठीक है तो इसीलिए इस बीमारी को रॉयल डिजीज भी कहा जाता है। ठीक है तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि यहाँ पे जो आंसर हमारा होने वाला है वो ए ऑप्शन होने वाला है। ठीक है ए ऑप्शन हीमोफीलिया इसी को क्या कहा जाता है रॉयल डिजीज कहा जाता है। ठीक है हीमोफीलिया को क्रिसमस फैक्टर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है आप लोगों को ये क्वेश्चन मिल सकता है कि क्रिसमस फैक्टर किसे कहा जाता है। तो आप लोग बताएंगे कि हीमोफीलिया को क्रिसमस फैक्टर के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि 25 दिसंबर को इसकी खोज हुई थी या इसके बारे में पता चला था सबसे पहली बार। ठीक है यहाँ पे आंसर्स मैं देख रहा हूँ जोगेश नैना शिवानी रितु विजेंद्र प्रतीक्षा नैना ठीक है कमल सिंह जैन सर जैन स्वाति चौधरी। ठीक है चलिए आप लोगों के आंसर यहाँ पे मिल रहे हैं अंशु ए आंसर कर रहे हैं वंदना गुड इवनिंग आदित्य 1A ठीक है रश्मि का ए आंसर है सोनू पोरुस बी आंसर। ठीक है यहाँ पे कुछ लोग गलत आंसर्स भी कर रहे हैं तो आप लोगों को ध्यान रखना है जो आपकी हीमोफीलिया नाम की बीमारी होती है इसी को रॉयल डिजीज कहा जाता है और इसी को क्रिसमस फैक्टर के नाम से भी जाना जाता है। प्रियंका के आंसर आया है जुनेद आदित्य। ठीक है सेकेंड क्वेश्चन है डेंगू के उपचार के लिए बकरी का दूध प्रयोग करते हैं क्योंकि उसमें प्रोटीन होती है। कौन सी प्रोटीन होती है आप लोगों को ये बताना है। फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डेंगू गोट मिल्क इज यूज्ड बिकॉज ऑफ कंटेन प्रोटीन। तो आप लोगों को प्रोटीन का नाम बताया ना जिसकी वजह से हम लोग डेंगू में बकरी का दूध पिलाते हैं। ठीक है कौन सी प्रोटीन उसमें होती है हीमोग्लोबिन जिलेटिन या प्रोथ्रोम्बिन या फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आपको आंसर करना है सेकेंड क्वेश्चन का। ठीक है कौन सी प्रोटीन हेल्प करती है। सेकेंड का सी प्रोथ्रोम्बिन मोंटी सोनू जुनेद आदित्य प्रियंका चलिए रश्मि वंदना नेहा नैना श्वेता एसएससी अंशु दीपांशी यादव विराट भड़ाना सेकेंड का सी चलिए विजेंद्र पाल। तो स्टूडेंट कुछ लोग यहाँ पे गलत आंसर्स भी करें कुछ लोगों का आंसर ठीक आ रहा है तो सर सेकेंड का सी।
यहाँ पे बात करेंगे, अगर किसी भी इंसान को डेंगू होता है तो डेंगू में ये बकरी का दूध पिलाया जाता है। तो फ्रेंड्स, बकरी का दूध पिलाने का रीजन होता है कि बकरी के दूध में, सोनम कश्यप सी आंसर कर रहे हैं, जिसान मनीषा गुड इवनिंग। तो यहाँ पे जो आंसर आपका होने वाला है वो होता है जिलेटिन प्रोटीन। तो बकरी का दूध जो होता है उसमें आपका जिलेटिन प्रोटीन पाया जाता है, और जिलेटिन प्रोटीन की वजह से क्या होता है, जो हमारी प्लेटलेट्स होती हैं वो बढ़ सकती हैं, ठीक है, या वो बढ़ जाती हैं। तो इसीलिए बकरी के दूध का प्रयोग किया जाता है। और बकरी के दूध में यहाँ पे बात करेंगे कौन सी प्रोटीन होती है, तो आप लोगों को आंसर करना है कि बकरी के दूध में जिलेटिन प्रोटीन होती है। ठीक है स्टूडेंट, सेकेंड का बी ऑप्शन आपका सही होने वाला है। ठीक है, यहाँ पे आंसर मिल रहे हैं स्वाति चौधरी, जोगेश, मनीषा। चलिए, गुड इवनिंग सभी को, विजेंद्र पाल, कामिनी, आदित्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त को कितने तापमान पर ब्लड बैंक में रखा जाता है। ठीक है, एट वॉट टेम्परेचर इज द ब्लड कीप्ड इन द ब्लड बैंक। ऑप्शन है 2 डिग्री सेंटीग्रेड, 4 डिग्री सेंटीग्रेड, 6 डिग्री सेंटीग्रेड या 8 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि हम लोग ब्लड ब्लड बैंकों में ब्लड को रख सकते हैं। ठीक है, तो ब्लड को जो ब्लड बैंकों में प्रिजर्व किया जाता है, रखा जाता है, मोस्टली ये 30 दिन तक के लिए रखा जा सकता है। ठीक है, तो ये 30 दिन तक ब्लड को ब्लड बैंकों में अगर हमें रखना होता है तो कितने टेम्परेचर पे रखना होता है। कल्पना, हेलो तनुजा सागर, ठीक है ठीक है। तो आप थर्ड का आंसर करेंगे यहाँ पे कि जो आपका ये ब्लड रखा जाता है ब्लड बैंकों में, ये कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर रखा जाता है। ठीक है, 2 डिग्री सेंटीग्रेड, 4 डिग्री सेंटीग्रेड। चरित भड़ाना, राम राम, राम राम। रितु थर्ड का भी आंसर्स कर रहे हैं, जुनेद, राजश्री बी, वंदना, सोनू, श्वेता एसएससी, थर्ड का बी। चलो, नैना सिंह बी आंसर्स, अंशु बी। ठीक है स्टूडेंट, तो आप लोगों के आंसर ठीक आ रहे हैं। यहाँ पे जो ब्लड को प्रिजर्व किया जाता है, तो वो आप लोगों को याद रखना है, ब्लड बैंकों में 4 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे ब्लड को रखा जाता है। और जो वो ब्लड रखा जाता है तो हम मोस्टली 30 डेज के लिए रखते हैं। ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों को। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर जो होने वाला है वो बी होने वाला है, सभी के आंसर मोस्टली ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, फोर्थ क्वेश्चन की हम बात करते हैं, मोंटी थर्ड का बी, स्वाति चौधरी, रश्मि, शिवानी, लता, तनुजा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस जीव में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। ठीक है, इन विच ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म इज द ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम फाउंड। मतलब ऐसे कौन सा, इनमें से कौन सा ऐसा जीव है जिसके अंदर परिसंचरण तंत्र जो होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है, वो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। तो आप लोगों को आंसर करना है। हाँ, आदित्य ने भी आंसर किया है। ठीक है ठीक है, तो आंसर कीजिएगा आप इसका कि किस जीव में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। ऑप्शन आपके मेंढक, हाथी, कॉकरोच या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, फोर्थ का आंसर करेंगे स्टूडेंट, फोर्थ का सी आदित्य आंसर कर रहे हैं, रितु, रश्मि, जोगेश, कामिनी, तुषार, विकास, गौतम, वंदना, कॉकरोच, सोनू, ए प्रतीक्षा, सी। ठीक है, तो आप लोगों का आंसर यहाँ पे सी आ रहा है, अंशु सी। तो फोर्थ का आंसर जो होने वाला है यहाँ पे सी आंसर होने वाला है, जो आपका कॉकरोच होता है। ठीक है, जिसको इंग्लिश में कॉकरोच और हिंदी में तिलचट्टा भी कहा जाता है। तो ये आपका ऐसा एक जीव होता है जिसमें जो ब्लड होता है वो एक जगह से दूसरी जगह तक जब फ्लो करता है तो ओपन या खुले माध्यम में करता है। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे आपका किस में खुला परिसंचरण पाया जाता है, तो आपका आंसर सी होने वाला है। ठीक है, रोबिन शर्मा, हेलो सर, हेलो रोबिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंद परिसंचरण तंत्र का उदाहरण है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछना चाह रहा है कि किस में बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। गुड आफ्टरनून सर, पूजा, गुड आफ्टरनून पूजा। मकड़ी, कॉकरोच, हाथी या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आंसर्स करेंगे आप फिफ्थ का, स्वाति चौधरी सी, सोनिका चंदेल सी, मनीषा राय। ठीक है, यहाँ पे बंद परिसंचरण तंत्र का उदाहरण क्या होने वाला है, मकड़ी, कॉकरोच, हाथी या इनमें से कोई नहीं। दीपांशी यादव सी आंसर कर रहे हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब यही होता है कि जिसमें कोई भी, ऋतु फिफ्थ का ए, प्रियंका सी, जुनेद ए। ठीक है, कि इसमें ऐसा कौन सा
मतलब यहाँ पे जीव है, कौन सा ऑर्गेनिज्म ऐसा है जिसमें बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, मतलब कोई भी लिक्विड कंचनसी लिक्विड अगर इसमें कोई होगा या कोई भी ब्लड हो, किसी भी इंसान के अंदर ब्लड होगा तो वो जब फ्लो करेगा तो बंद माध्यम में, मतलब कि किडनी ट्यूब की सहायता से, या हम कह सकते हैं वीन्स और ओर्ट्री की सहायता से फ्लो करेगा। तो आप लोगों को पता है कि जितने भी बड़े जीव होते हैं, ठीक है, हाँ यहाँ पे है, उनके अंदर क्या होता है, बंद परिसंचरण तंत्र होता है ना, चाहे वो मैमल्स हो चाहे वो एम्फीबियंस हो। तो यहाँ पे आपका आंसर होने वाला है सी, जो हाथी होता है उसमें ओ क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। ठीक है, सो ये सी एलिफेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हृदय की आकृति होती है शेप ऑफ हार्ट इज त्रिभुजाकार, शंकुआकार, चतुर्भुजाकार, या इनमें से कोई नहीं। कैपिलरी, हाँ विजेंद्र पाल सही बता रहे हैं भाई, ठीक है, जोगे सी। तो आप लोगों को बताना है हृदय की आकृति कैसी होती है, शेप ऑफ हार्ट कैसी होती है। ठीक है, ए ऑप्शन है त्रिभुजाकार, बी शंकुआकार, सी चतुर्भुजाकार, या डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, सिक्स का आंसर करेंगे तनुजा आदित्य, आप लोगों के आंसर आ रहे हैं। ठीक है, रितु, हाँ जी, सिक्स का बी रश्मि, सिक्स का बी आदित्य, जुनेद सी, कंचन बी, प्रतीक्षा बी, नैना, शिवानी, कामिनी, शांत, अंशु, चरित्र, सिक्स का बी। ठीक है, विजेंद्र। तो स्टूडेंट्स, हृदय की आकृति जो होती है वो आप लोगों को पता है वो होती है कॉनिकल शेप, ठीक है, या हम उसको बोल सकते हैं शंकुआकार। तो यहाँ पे या तो शंकुआकार या हम उसको बोल देते हैं फिस्ट शेप, बंद मुट्ठी के आकार का हृदय हमारा होता है। तो यहाँ पे आप लोगों का सिक्स का बी आंसर सही होने वाला है। ठीक है, श्वेता आंसर कर रही है, चलिए, कल्पना ए, रोबिन शर्मा बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय का वजन होता है द वेट ऑफ हार्ट। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट है 300 से 350 ग्राम, सेकेंड ऑप्शन 200 से 300 ग्राम, थर्ड ऑप्शन 400 से 500 ग्राम, या डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। आंसर करेंगे आप सेवेंथ का, जुनेद, रोबिन, कल्पना, वंदना, मोंटी आंसर कर रहे हैं सिक्स्थ का बी। हाँ जी, सेवेंथ का आंसर करेंगे आदित्य सर, आपकी क्लास में सबसे ज्यादा ऑनलाइन है, थैंक यू दीपांशी, सिक्स्थ का बी आदित्य, सेवेंथ का ए, कंचन ए, रश्मि, विजेंद्र, विकास, ठीक है, स्वाति चौधरी, सोना पोरुस, चलिए सेवेंथ का ए आंसर्स कर रहे हैं सभी लोग। ठीक है, श्वेता एस एस सी सेवेंथ ए, सना, नैना, चलिए। तो आप लोग बता रहे हैं यहाँ पे जो आपका आंसर हो रहा है वो क्या है, सेवेंथ का ए। तो किसी भी इंसान में, मतलब अगर यहाँ पे बात करते हैं किसी भी ह्यूमन की, तो किसी भी ह्यूमन के अंदर, किसी भी मानव के अंदर जो आपका हर्ट होता है वो 300 से 350 ग्राम का हो सकता है, या हम इसको कह सकते हैं कि किसी भी मनुष्य का टोटल बॉडी वेट का 0.6% वेट हर्ट का होता है। ठीक है, किसी भी इंसान का जितना भी वेट होगा उसका 0.6% क्या होता है, हर्ट वेट होता है। ठीक है, या 300 से 350 ग्राम। ठीक है, रोबिन, विनीत, पूजा, चरित्र, सेवेंथ बी, ठीक है, हाँ ए है। ठीक है, तो यहाँ पे ए आंसर सही होने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय एक बार में कितनी बार धड़कता है। ठीक है, ऑप्शन है हाउ मेनी टाइम्स डज द हार्ट बीट इन अ मिनट, 60, 65, 72, या 80। ठीक है, हाँ जी, चलिए आंसर करेंगे, अंकुश आंसर कर रहे हैं, रोबिन आंसर कर रहे हैं, एट का आंसर करेंगे आप सभी लोग। ठीक है, चलिए, अंकुश, प्रतीक्षा सी आंसर कर रहे हैं, वंदना, पूजा, शिवानी, जुनैद, मोंटी, रितु, विकास, प्रियंका, रश्मि, स्वाति चौधरी, सत्येंद्र खरे, चलिए, लक्ष्यपाल, अंशु, तुषार, सना, यशस्वी सिंह, 72। ठीक है, तो स्टूडेंट, जो किसी भी ह्यूमन के अंदर जो अडल्ट होते हैं उनमें अगर हम हार्ट बीट की बात करते हैं तो एक मिनट में 72 टाइम्स, सत्येंद्र खरे सही आंसर है, पुष्पेंद्र, जोगेश, श्वेता एस एस सी, तो एक मिनट में 72 बार हृदय क्या होता है, धड़कता है। और जब किसी भी इंसान में एक बार हृदय धड़कता है तो एक बार धड़कने में वो 70 ml ब्लड पंप कर देता है, और एक मिनट में वो धड़कता है 72 बार, तो आप यहाँ से देख सकते हैं 50, 40, यानी कि 5 लीटर तक ब्लड वो पंप कर देता है।
यहाँ पे एक बार हृदय को धड़कने के लिए आप समझ सकते हैं 0.8 सेकेंड का टाइम लगता है। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे आपका आंसर्स क्या होने वाला है, सी आंसर्स होने वाला है। सभी लोग सी आंसर कर रहे हैं। उसपाल सैनी, चरित भड़ाना, आदित्य, अंकुश, विजेंद्र, पुष्पेंद्र, सत्येंद्र। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, नाइन्थ क्वेश्चन है। यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया है कि हृदय एक मिनट में कितना ब्लड पंप करता है। तो इसको अभी हम लोगों ने पढ़ा है, अभी बताया है, तो आप लोगों को देखना है हृदय एक मिनट में कितना ब्लड पंप करता है। ठीक है, लगभग 4 लीटर, लगभग 5 लीटर, 6 लीटर, या इनमें से कोई नहीं। स्टूडेंट है साइंस की क्लास में, कामिनी सबसे ज्यादा स्टूडेंट है साइंस की क्लास में, थैंक यू। ठीक है, तो हृदय एक मिनट में कितना ब्लड पंप करता है ये आपको बताना है। ठीक है, ए ऑप्शन है 4 लीटर, बी ऑप्शन 5 लीटर, फिर 6 लीटर, और डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। चलिए नाइन्थ को करेंगे ऋतु बी। ठीक है, 5 लीटर पर जुनेद बोल रहे हैं, आदित्य ए, कामिनी ए, ठीक है, सना, अंशु, प्रियंका, शिवंजलता। ठीक है स्टूडेंट, तो हाँ विजेंद्र पाल बोल रहे हैं होल बॉडी ब्लड कह सकते हैं इसको। तो स्टूडेंट यहाँ पे हृदय एक मिनट में लगभग 5 लीटर ब्लड पंप करता है, जो अभी हमने पढ़ा है। ठीक है, तो आप लोगों को बताया कि एक मिनट में 72 बार धड़कता है हृदय, और एक बार धड़कने में 70 ml ब्लड पंप करता है, तो 50-40 ml हो जाएगा, मतलब कि लगभग 5 लीटर ब्लड एक मिनट में वो पंप कर सकता है। हाँ जी, आदित्य बोल रहे हैं जिसने लाइक नहीं किया लाइक और शेयर कर दो। हाँ जी, लाइक करेंगे और शेयर कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, 10th क्वेश्चन है, भ्रूण अवस्था में हृदय एक मिनट में कितनी बार धड़कता है ना, 70 बार, 90 बार, 120 बार, या 150 बार। हाउ मेनी टाइम द हार्ट बीट इन अ मिनट इन द एम्ब्रियोनिक स्टेज, ये आप लोगों को बताना है। चलिए स्टूडेंट 10th का आंसर करेंगे जल्दी से सभी लोग। जी वंदना, रश्मि, कामिनी, ऋतु यहाँ पे आंसर्स कर रहे हैं 150 टाइम्स। ठीक है, चलिए नैना, आदित्य, अंशु, कंचन, सोना। ठीक है, तो यहाँ पे जो टाइम्स की बात होती है, तो एक मिनट में भ्रूण अवस्था में हृदय 150 बार धड़कता है। भ्रूण अवस्था वो अवस्था होती है जब मोंटी सिंग्स, ठीक है, जब कोई बच्चा माँ के गर्भ में होता है, और लगभग 6 से 8 सप्ताह के बाद की जो अवस्था होती है वो भ्रूण अवस्था कहलाती है ना। जब उस बच्चे में क्या हो जाता है, हार्ट बन जाता है या हृदय का निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है कि 150 बार एक मिनट में हृदय धड़कता है। ठीक है, किसके अंदर, भ्रूण अवस्था में। अगर बात करेंगे हम बच्चे की, चाइल्ड में, तो एक मिनट में 90 बार हृदय धड़कता है, और हमने अभी एडल्ट की बात की थी, एक मिनट में 72 टाइम्स होता है। ठीक है, तो आप लोगों का यहाँ पे आंसर रहने वाला है डी आंसर। ठीक है, चलिए यहाँ पे लिखा हुआ है 11th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन है, हृदय किस प्रकार का अंग है, ठीक है, एंडोडर्मल, एक्टोडर्मल, मीजोडर्मल, या इनमें से कोई नहीं। व्हाट टाइप ऑफ ऑर्गन इज द हार्ट, ठीक है, इसका आंसर करेंगे। हाँ जी आदित्य, चाइल्ड में 90 बार होता है, बताएंगे यहाँ पे 11th का आंसर। हाँ जी विजेंद्र पाल, ये एवरेज होता है। हृदय किस प्रकार का अंग है, एंडोडर्मल, एक्टोडर्मल, मीजोडर्मल, या इनमें से कोई नहीं। 11th का बी वंदना ने आंसर किया है, 11C आदित्य, विजेंद्र, मीजोडर्मल। चलिए 11th ए पूजा, वंदना, पठान, जुनेद, सोनू, अंशु, रितु, सना। ठीक है, आप सभी लोग आंसर्स कर रहे हैं, और मोस्टली लोगों का आंसर सी आ रहा है। तो यहाँ पे आप लोगों को पहले भी बताया हुआ है, पिछली क्लास में भी, हृदय किस प्रकार का अंग है, तो यहाँ पे आंसर्स क्या होने वाला है आपका, सी। हृदय एक मीजोडर्मल अंग होता है, ये मीजोडर्म वाली लेयर से बना होता है। ठीक है, मीजोडर्म वाली लेयर से दो ही पार्ट हमारी बॉडी में बने होते हैं, एक तो हमारा हार्ट जो मीजोडर्म से बनता है, और सेकेंड होता है हमारा ब्लड जो मीजोडर्म से बना होता है। तो दोनों ही ये मीजोडर्मल ऑर्गन होते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को याद रखना है। यहाँ पे सभी के आंसर्स आ रहे हैं, श्वेता SSC, रश्मि, कंचन, जोगेश, शिवानी, राज। ठीक है, सभी के आंसर्स मोस्टली ठीक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से हृदय सबसे कम किस में धड़कता है, ऑफ दीज द हार्ट बीट्स द लीस्ट। ठीक है, ए आंसर है गिलहरी मतलब स्क्वेरल, बी आंसर कबूतर मतलब पिजन, थर्ड सी आंसर है आपका स्टार, और डी ऑप्शन है आपका ब्लू व्हेल।
हाँ जी, ऑप्शन में थोड़ी सी मिस्टेक्स हो सकती हैं। ठीक है, 12th का आंसर करेंगे आप सभी लोग। सबसे कम हृदय किस में धड़कता है? गिलहरी, कबूतर, सार्क या ब्लू व्हेल? 12th का सोनू ने डी आंसर किया है, कंचन, विजेंद्र, रश्मि, पूजा, राजश्री, वंदना, नैना। चलिए स्वाति, ठीक है आदित्य, सभी लोगों के आंसर्स यहाँ पे सही आ रहे हैं। जो ब्लू व्हेल होती है उसमें हृदय सबसे कम धड़कता है, उसमें जो हृदय होता है लगभग 6 से 7 बार तक धड़कता है 1 मिनट के अंदर। तो आप लोगों को याद रखना है, सबसे कम अगर हृदय धड़कने की बात आएगी तो आप किसका आंसर्स करेंगे, किसको आंसर्स करेंगे? ब्लू व्हेल को, क्योंकि ब्लू व्हेल में 1 मिनट में कितना हृदय धड़कता है? 6 से 7 बार। ठीक है, सभी के आंसर सही आ रहे हैं, दीपांशी, जोगेश, सत्येंद्र, अंकुश। ठीक है, थैंक यू आदित्य, विजेंद्र पाल। ठीक है, विजेंद्र पाल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। हाँ, कह सकते हैं। इनमें से सबसे ज्यादा हृदय के कक्ष किस में पाए जाते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड इन द हार्ट चैम्बर? यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है टाइपिंग में, तो आप लोगों को ये बताना है कि सबसे ज्यादा हार्ट चैम्बर किस में पाए जाते हैं? हाथी, मछली, कॉकरोच या सांप? ठीक है, ये सांप है। थैंक यू अंकुश सिंह, वेरी गुड, थैंक यू। आंसर्स करेंगे सभी लोग, इनमें से सबसे ज्यादा हृदय कक्ष किस में पाए जाते हैं? 13 का सी आंसर कर रहे हैं, सोना, ऋतु, राजश्री, कॉकरोच आंसर्स कर रहे हैं सभी लोग, विजेंद्र, पूजा, नैना। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे जो आपका आंसर होने वाला है वो कॉकरोच होने वाला है। जो कॉकरोच होता है उसके अंदर हर्ट जो होता है तो उसका पूरा हार्ट 13 चैम्बर में डिवाइड रहता है, 13 कक्षों में डिवाइड रहता है। और 13 कक्ष में जो होता है, 7 उसमें अलिंद पाए जाते हैं जिसको हम ओरिकल बोलते हैं, ठीक है इंग्लिश में, और 6 उसमें निलय पाए जाते हैं। तो आप लोगों को याद रखना है, जो कॉकरोच होता है उसमें हृदय के सबसे ज़्यादा कक्ष पाए जाते हैं। ठीक है, मोंटी, श्वेता, कामिनी, विजेंद्र पाल, दीपांशी यादव, सभी के आंसर ठीक आ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हृदय को बीच में से कौन सी परत, हृदय के बीच में कौन सी परत पाई जाती है? सॉरी, यहाँ पे थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है तो आप देख लेंगे इसको। विच लेयर इज फाउंड इन द हार्ट? ऑप्शन ए ओरिकल, बी सेप्टम, सी वेंट्रिकल या डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है स्टूडेंट, हृदय जो होता है, जो हमारा हार्ट होता है, उसके बीच में एक लेयर पाई जाती है जो मसल से मिलकर बनी होती है। ठीक है, तो आपको वो आंसर करना है कि वो क्या कहलाती है। ठीक है, 14 का बी वंदना, चलिए आदित्य, सी। ठीक है, आंसर्स करेंगे आप सभी लोग, रश्मि बी, पूजा, सोना, प्रतीक्षा, चरित्र बी। ठीक है, आप सभी लोगों के आंसर्स आ रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हृदय को बीच में से कौन सी परत अलग करती है, मतलब ये हमारा अगर हार्ट है तो यहाँ पे एक लेयर पाई जाती है जो हर्ट को 2 भागों में डिवाइड कर देती है, और उस लेयर को कहा जाता है सेप्टम। तो आप लोगों को याद रखना है, ये जो लेयर होती है ये सेप्टम के नाम से जानी जाती है। ठीक है, आप सभी लोगों के आंसर ठीक हैं, तो यहाँ पे आपका बी आंसर सही होगा। ठीक है, 15 है, हृदय का हृदय किसे कहते हैं? व्हाट इज द हार्ट ऑफ हार्ट? ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि हृदय का हृदय किसे कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन है आपके ए बी नोड, ऐसे नोड, दोनों या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, सभी लोगों के आंसर सही आ रहे हैं। ठीक है, चलिएगा 15 का आंसर करेंगे सभी लोग स्टूडेंट्स, हृदय का हृदय किसे कहा जाता है? बताएंगे सभी? 15 बी, मोंटी, ऋतु, रश्मि, नैना, कंचन, आदित्य, अंशु। ठीक है स्टूडेंट, तो आप लोगों को यहाँ पे आप लोगों के आंसर आ रहे हैं और सभी के आंसर मोस्टली ठीक हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट जो आपका ऐसे नोड होती है, ठीक है, इसको कहा जाता है सिनो ओरिकुलर नोड। ठीक है, सिनो ओरिकुलर नोड। ठीक है, ये जो होती है ये हमारे हार्ट में पाई जाती है, और आप लोगों को याद रखना है ये राइट ओरिकल में पाई जाती है। इस नोड को हृदय का हृदय या पेसमेकर ऑफ हार्ट भी कहा जाता है।
ठीक है स्टूडेंट, पेसमेकर ऑफ हार्ट। तो आप लोगों को ध्यान रखना है यहाँ पे आपका आंसर क्या होने वाला है, बी ऑप्शन आपका सही होने वाला है। ठीक है, सभी स्टूडेंट के आंसर सही आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय में रक्त किस अवस्था में आता है, एट वॉट स्टेज डज द ब्लड इन द हार्ट। मतलब कि जब हृदय में ब्लड आता है तो कौन सी अवस्था होती है जिसकी वजह से हृदय में रक्त पहुंच पाता है। ऑप्शन ए विरामावस्था, जिसको रेस्टिंग पीरियड कहते हैं। सेकंड लव, सी डब, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है स्टूडेंट, तो आप आंसर करेंगे 16 का आंसर क्या होने वाला है, हृदय में रक्त किस अवस्था में आता है। 16 का ए आंसर्स कर रहे हैं सब लोग। 15 सी चरित, कंचन, रितु, तनुजा। ठीक है, रश्मि का आंसर आया है ए। चलिए जुनैद, सोना, नैना, विजेंद्र। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे जो हृदय में रक्त आता है तो वो हमेशा विरामावस्था में आता है, रेस्टिंग स्टेज में आता है। ठीक है, तो आप लोगों को याद रखना है कि रेस्टिंग स्टेज या विरामावस्था के कारण ही हृदय में क्या होता है, रक्त आता है, और उसके बाद वो हृदय क्या करता है, उसको पंप करके आगे सप्लाई करता है। ठीक है, सभी लोगों के आंसर्स मोस्टली ठीक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, हमारे शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है। ठीक है, विच इज द लार्जेस्ट ऑर्टरी ऑफ अवर बॉडी। ऑप्शन है ओर्टा, सेकेंड ऑप्शन इन्फीरियर वेनेकोवा, थर्ड ऑप्शन दोनों, या डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। हाँ जी आदित्य, ऑफलाइन क्लास चल रही है, थोड़ा सोर आ रहा है। ठीक है, चलिए आप लोग बताएंगे कि हमारे शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी होती है, ओर्टा, इन्फीरियर वेनेकोवा, दोनों, या इनमें से कोई नहीं। सभी लोग आंसर्स करेंगे। विजेंद्र पाल ए आंसर्स कर रहे हैं, पूजा ए आंसर्स कर रहे हैं, ए आंसर आदित्य, स्वाति चौधरी ए, श्वेता SSC ए आंसर्स कर रहे हैं, सैंकी, राशि, प्रतीक्षा, सना, वंदना। चलिए आप सभी लोगों के, कामनी, विनीत, रश्मि, आंसू, मोंटी, सभी लोगों के आंसर्स आ रहे हैं यहाँ पे, और सभी लोगों का आंसर आ रहा है ओर्टा। तो आप लोगों को मैंने बताया हुआ है कि जो ओर्टा होती है, ठीक है, जिसको हिंदी में बोला जाता है महाधमनी। ठीक है स्टूडेंट, तो महाधमनी हमारे शरीर की सबसे बड़ी धमनी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर ए होने वाला है। ठीक है, तुषार तोमर 17 सी, आपका गलत हो गया है तुषार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे शरीर की सबसे बड़ी सिरा, बिगेस्ट वीन्स ऑफ अवर बॉडी। ऑप्शन है ओर्टा, इन्फीरियर वेनेकोवा, दोनों, या इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे आपको बताना है हमारे शरीर की सबसे बड़ी सिरा कौन सी होती है, ओर्टा, इन्फीरियर वेनेकोवा, दोनों मतलब बोथ, या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। कामनी पूछ रही है छोटी कौन सी होती है, वो डिपेंडेंसी होती है मैम की, ऑप्शन आपको क्या दिए हुए हैं। ठीक है, चलिए बी आंसर आ रहा है आपका सभी का। विजेंद्र, जुनैद, आदित्य, तुषार, श्वेता SSC, अंशु, अर्जुन मौर्य, राशि, मोटी। ठीक है, सभी लोग बी आंसर्स कर रहे हैं यहाँ पे। तो आपका ये इन्फीरियर वेनेकोवा, जिसको हिंदी में बोला जाता है महासिरा, ठीक है, ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी सिरा होती है। ठीक है, तो आप लोगों को याद रखना है, अर्जुन मौर्य, राम राम। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हृदय का पेसमेकर किसे कहा जाता है। ठीक है, हृदय का पेसमेकर किसे कहा जाता है, व्हाट इज द पेसमेकर ऑफ हार्ट, AV नोड, SA नोड, दोनों, ये इनमें से कोई नहीं। 19 का आंसर्स करेंगे, वैसे मैंने भी आपको ये एक्सप्लेन किया है लेकिन फिर भी आप आंसर करें। हृदय का पेसमेकर, आदित्य आप भी टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है, देखते हैं भाई वो भी। प्रतीक्षा भी आंसर, चलिए वंदना भी, रितु भी। ठीक है स्टूडेंट, अभी मैंने आपको बताया है कि ऐसे नोट को हृदय का पेसमेकर, ठीक है, पेसमेकर ऑफ हार्ट या हार्ट ऑफ हार्ट कहा जाता है। ठीक है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि यहाँ पे आंसर क्या होगा आपका, ऐसे नोड। ठीक है, अभी एक्सप्लेन किया है, हाँ, श्वेता SSC, शिवानी, सना। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर होने वाला है बी ऑप्शन। ठीक है, हृदय का पेसमेकर किसे कहते हैं हम लोग, तो हृदय का पेसमेकर ऐसे नोड को कहते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हृदय का सबसे बड़ा भाग, द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ हर्ट इज, दाया अलिंद मतलब राइट ओरिकल, बाया अलिंद लेफ्ट ओरिकल, दाया निलय राइट वेंट्रिकल, और बाया निलय मतलब लेफ्ट वेंट्रिकल। 20 का आंसर करेंगे, हृदय का सबसे बड़ा भाग। आशुतोष लांबा 19B सही आंसर है आपका। विनीत आंसर कर रहे हैं बी, मोंटी बी, आशु यादव बी। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे 20 का आंसर करेंगे आप लोग। ठीक है आदित्य, 20 का आंसर करेंगे सभी लोग। चलिए 20 का बी आंसर कर रहे हैं रश्मि। ठीक है बाकी लोग भी आंसर करेंगे, रितु जी। ठीक है तो यहाँ पे जो आपका हर्ट होता है, तो हर्ट में जो आपका बायां निलय होता है, ठीक है स्टूडेंट, बायां अलिंद नहीं, बायां निलय जो होता है मतलब कि लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है हाँ, अर्जुन मौर्य का आंसर आया है डी, विजेंद्र पाल डी। ठीक है लेफ्ट वेंट्रिकल कामनी। ठीक है तो आपका जो बायां निलय होता है वो हृदय का सबसे बड़ा भाग होता है, आप लोगों को याद रखना है। और साथ में अगर आपसे पूछे कि हृदय का सबसे मजबूत भाग, तब भी आपको क्या बताना है, स्ट्रोंगेस्ट पार्ट, तब भी आप लोगों को बायां निलय आंसर करना है। तो हृदय का सबसे बड़ा और सबसे मजबूत भाग बायां निलय होता है। ठीक है चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्तदाब मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर ब्लड प्रेशर। ऑप्शन ए इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ऑप्शन बी स्फिग्मोमैनोमीटर, ऑप्शन सी स्टेथोस्कोप, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आशुतोष लांबा 20D 20D। ठीक है आप सभी लोगों के आंसर ठीक है मोस्टली। आप लोग अब 21 का आंसर करेंगे। ठीक है चलिए आंसर्स करेंगे आप, रक्तदाब मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, स्फिग्मोमैनोमीटर, स्टेथोस्कोप, या नन ऑफ दीज। 21B। ठीक है अर्जुन, नैना, आशु, राशि, रश्मि, विजेंद्र, प्रियंका, शिवानी, तुषार, सना। चलिए स्टूडेंट सभी लोग, आदित्य भी, श्वेता, एसएससी भी, सभी लोग यहाँ पे बी आंसर्स कर रहे हैं। ठीक है आशुतोष, तो आप लोगों को यहाँ पे जो आपका आंसर है वो ठीक है, रक्तदाब मापने के लिए स्फिग्मोमैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। आप लोगों को पता होगा किसी भी मनुष्य में जो बीपी होता है, ब्लड प्रेशर होता है, उसको मापने के लिए स्फिग्मोमैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। और ब्लड प्रेशर किसी भी मनुष्य में 80/120 mmHg होता है। ठीक है स्टूडेंट, इसमें आपका डायस्टोल और सिस्टोल कंडीशन होती है, डायस्टोल और सिस्टोल। ठीक है जो सिस्टोल कंडीशन होती है उसमें ब्लड प्रेशर 120 और डायस्टोल कंडीशन में ब्लड प्रेशर 80 mmHg होता है। ठीक है सभी के आंसर ठीक हैं। ठीक है स्टूडेंट 22 क्वेश्चन है, रक्तदाब को सबसे पहले किस में मापा गया, द ब्लड प्रेशर वाज फर्स्ट मेजर्ड इन, चूहे में, हाथी में, घोड़े में, या छिपकली में। ठीक है चलिए आंसर्स करेंगे आप लोग। विजेंद्र पाल सर सही लिखो भाई, सही लिख रहे हैं, क्या गलत है। ठीक है 22 का आंसर करेंगे आप, ऋतु सी आंसर कर रहे हैं, विजेंद्र, प्रतीक्षा, रश्मि, जुनैद, पूजा, नैना, नैना, सोना, विजेंद्र। विजेंद्र पाल बता रहे हैं 120/80, भाई वो भी ठीक है और जो आप लिख रहे हैं वो भी ठीक है। ठीक है वो डिपेंडेंसी होगी कि वहां पे पहले क्या लिखा हुआ है। ठीक है मैंने अलग अलग करके बताया हुआ है तो वो डिपेंडेंसी होगी फिर ऑप्शन पे। ठीक है चलिए तो यहाँ पे आपका आंसर सी आ रहा है, रक्तदाब को सबसे पहले किसमें मापा गया। तो आप लोगों को पता है कि जो ब्लड प्रेशर था मतलब बीपी था वो सबसे पहले जो मीजर किया गया, ठीक है मापा गया, वो मीजर किया गया था हॉर्स में मतलब कि घोड़े में। और आप लोगों को ये भी मैंने बताया है कि इसको जो मीजर किया था वो हेल्स नाम के वैज्ञानिक ने किया था सबसे पहले। ठीक है चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, कौन सा यंत्र हृदय की गति को नियंत्रित करता है, विच डिवाइस कंट्रोल द हार्ट रेट। ऑप्शन है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, स्टेथोस्कोप,
पेसमेकर या इनमें से कोई नहीं। चलिए आंसर्स करेंगे आप सभी लोग। कौन सा यंत्र हृदय की गति को नियंत्रित करता है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, स्टेथोस्कोप, पेसमेकर या इनमें से कोई नहीं। कामिनी ईसीजी, आशु यादव सी, विजेंद्र सी, ऋतु, अर्जुन, पूजा, रश्मि, प्रियंका, ठीक है, वंदना, सोना, आदित्य, राशि, प्रतीक्षा, कामिनी, जुनैद, ठीक है, सभी लोगों के आंसर सी आ रहे हैं यहाँ पे, सना, शिवानी, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या रहने वाला है? पेसमेकर रहने वाला है, स्वाति चौधरी, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे आपका आंसर पेसमेकर रहेगा, क्योंकि पेसमेकर एक यंत्र होता है, ठीक है, पेसमेकर एक यंत्र होता है जो हमारे हर्ट से कनेक्ट किया जाता है, और ये क्या करता है, जो आपकी हर्ट रेट होती है उसको कंट्रोल करने के काम में आता है, ठीक है। तो आप लोगों का आंसर यहाँ पे सी, श्वेता, अंशु, कल्पना, तनुजा, सभी सी आंसर्स कर रहे हैं और ये आपका आंसर ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय की खराब होने की अवस्था में कैसी ध्वनि होती है? हाउ डज द साउंड व्हेन द हर्ट इज बैड। ये कभी कभी क्या होता है, हर्ट में प्रॉब्लम आ जाती है तो उसकी जो साउंड होती है वो कैसी होती है, ये आपको बताना है। लब, डब, मुरमुर या इनमें से कोई नहीं, ठीक है, ये आपको आंसर्स करना है यहाँ पे 24 का। आंसर्स करेंगे सभी लोग 24 सी, श्वेता, कल्पना सी, सैंकी, चरित्र ए, विजेंद्र 24 सी, स्वाति 24 सी। चलिए ठीक है, मोस्टली लोगों के सी आंसर्स आ रहे हैं यहाँ पे, तो आप लोगों का जो आंसर है सी, ये बिल्कुल सही होने वाला है। जब हमारा क्या होता है, हर्ट जो होता है वो लब और डब दो साउंड करता है। अगर आपसे पूछे पहले कौन सी साउंड होती है तो आप क्या बताएंगे, लब साउंड होती है, दोबारा सेकेंड कौन सी साउंड होती है, डब साउंड होती है। लेकिन अगर हर्ट में प्रॉब्लम हो जाए या वाल्व में प्रॉब्लम हो जाए, जो हर्ट में वाल्व होते हैं वो खराब हो जाए, तो उस टाइम पे हर्ट जो साउंड करेगा वो मुरमुर साउंड करता है, ठीक है। तो आप लोगों का यहाँ पे अर्जुन आंसर्स कर रहे हैं सभी लोग, सी आंसर ठीक होने वाला है, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को क्या कहते हैं, ठीक है, व्हाट इज द कॉल्ड इनसफिशिएंट ब्लड सप्लाई, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैं आपको इसको समझा दूँ कि हर्ट जो होता है उसमें ब्लड की सप्लाई होती है, अगर वो अपर्याप्त हो, इनसफिशिएंट हो, तो उसे क्या कहा जाता है, ये आप लोगों को बताना है। ऑप्शन है हेमरेज, इस्कीमिया, हाइपरमिया या नन ऑफ दीज, ठीक है। चलिए ये आप आंसर्स करेंगे अभी 25 सी, विजेंद्र पाल, अर्जुन सी, सी ठीक है, आदित्य सी, ऋतु, जुनैद, ठीक है 24 सी, 25 सी, सी सी, ठीक है। सभी स्टूडेंट यहाँ पे आंसर्स कर रहे हैं, विजेंद्र ने बी आंसर्स किया है, बाकी सभी लोगों ने सी आंसर कर दिया है यहाँ पे, जो आपका गलत होने वाला है। यहाँ पे फ्रेंड्स, अगर रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को क्या कहा जाता है, ये क्वेश्चन होता है, तो आप लोगों को याद रखना है इस्कीमिया जो होता है वो रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति या इनसफिशियंट ब्लड सप्लाई होती है। तो यहाँ पे जब हर्ट में ब्लड जाता है और वो सप्लाई क्या हो जाए, इनसफिशियंट हो, तो उसे इस्कीमिया एक रोग कहा जाता है, ठीक है, ये याद रखना है आपको। तो यहाँ पे आंसर आपका बी होने वाला है, ना कि सी, ठीक है, मोस्टली लोगों के इसमें गलत हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईसीजी का पिता किसे कहा जाता है, ठीक है, हु इज द फादर ऑफ ईसीजी, वोलर, इंथोवान, बर्नार्ड या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। हाँ जी, विजेंद्र पाल, मायोकार्डियल इस्कीमिया जी, ठीक है, आदित्य 25 बी। चलिए 26 का आंसर करेंगे आप लोग अभी, ईसीजी का पिता किसे कहा जाता है, 26 का ए आंसर कर रहे हैं, 26 बी यहाँ पे आंसर्स कर रहे हैं सभी लोग। चलिए ए बी, ए बी मोस्टली, चलिए 26 सी, सना, आदित्य, रश्मि, प्रतीक्षा,
ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पे ईसीजी का पिता किसे कहा जाता है, तो आप लोगों को याद रखना है ईसीजी मतलब होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम स्टूडेंट। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम एक क्या होती है, एक डिवाइस होती है, एक मशीन होती है जो मोस्टली आपने हॉस्पिटल में देखी होगी, उसमें कुछ इस टाइप से वेव चलती है, ठीक है स्टूडेंट, जो हमारे हार्ट के बारे में बताती हैं कि हमारा जो हृदय है, जो हमारा हार्ट है वो किस टाइप से मूव कर रहा है या किस टाइप से गति कर रहा है। इसको देखने के लिए हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम का यूज़ करते हैं। जो मशीन होती है उसको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहा जाता है, और जो ग्राफ बना होता है उसे, जो मशीन के अंदर ग्राफ बनता है ये वाला, उसे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ कहा जाता है, ठीक है स्टूडेंट। और यहाँ पे अगर बात करेंगे कि उसका पिता किसे कहा जाता है, नैना रश्मि तनुजा तनुगुजर पी इंथोवान, ठीक है आशु कंचन, ठीक है स्टूडेंट। तो आप लोगों का आंसर सही है यहाँ पे, जो इंथोवान थे 26 का बी आंसर सही होने वाला है, इन्होंने इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम को बनाया था इसलिए इनको फादर ऑफ ईसीजी कहा गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, पहला हृदय प्रत्यारोपण किसने किया, ठीक है, हु परफॉर्म द फर्स्ट हार्ट ट्रांसप्लांट। ऑप्शन है वोलर, वीनर, एम बर्नार्ड या इनमें से कोई नहीं, ठीक है स्टूडेंट। पहली बार जो हृदय प्रत्यारोपण हुआ, हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ, वो किसने किया, इसमें आपको ये बताना है, ठीक है। प्रियंका रानी नोबेल प्राइज भी मिला, हाँ जी नोबेल प्राइज भी मिला, ठीक है। 27 का आंसर्स करेंगे आप सभी लोग। चलिए पहला हृदय प्रत्यारोपण सी आंसर्स करें, विजेंद्र, आदित्य, पूजा, आशुतोष, कंचन, आदित्य, श्वेता, एसएससी सी। चलिए आप लोगों के आंसर मोस्टली ठीक आ रहे हैं, सोना, नैना, रितु, अर्जुन, सना। स्टूडेंट पहला हृदय प्रत्यारोपण की अगर बात करेंगे हर ट्रांसप्लांट की, तो वो एम बर्नार्ड ने किया, ठीक है। तो आपका सी आंसर ठीक होने वाला है यहाँ पे, एम बर्नार्ड जो थे इन्होंने जो हर ट्रांसप्लांट किया था ये किया था केपटाउन, ठीक है। कहाँ किया था अगर पूछा जाए तो केपटाउन मतलब कि साउथ अफ्रीका में किया था ये, ठीक है, साउथ अफ्रीका, ठीक है। तो आप लोगों को यहाँ पे आंसर क्या करना है, सी आंसर आपका सही होने वाला है। विनीत सिंह आंसर कर रहे हैं, कामिनी, ठीक है, सभी लोगों का आंसर ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला कृत्रिम हृदय का क्या नाम था, व्हाट वाज द नेम ऑफ द फर्स्ट आर्टिफिशियल हार्ट। ऑप्शन है बर्नार्ड, वीनर, जार्विक या इनमें से कोई नहीं, ठीक है, हाँ जी सभी के आंसर ठीक हैं। 28 का आंसर्स करेंगे आप लोग, पहला कृत्रिम हृदय का नाम क्या था, बर्नार्ड, वीनर, जार्विक या इनमें से कोई नहीं। 28 सी आंसर्स कर रही है श्वेता चौधरी, आशुतोष, कामिनी, ठीक है, प्रियंका, ठीक है, प्रतीक्षा, राजश्री, श्वेता, ठीक है स्टूडेंट। तो आप लोगों के आंसर्स यहाँ पे क्या आ रहा है, आप लोगों का आंसर्स यहाँ पे आ रहा है सी, ठीक है। पहला कृत्रिम हृदय का क्या नाम था, ठीक है, शिवानी, विजेंद्र, नैना, रश्मि, आदित्य, प्रियंका, जुनैद, ठीक है स्टूडेंट, सभी के आंसर्स यहाँ पे ठीक हैं। पहला कृत्रिम हृदय मतलब जो फर्स्ट आर्टिफिशियल हृदय, कंचन, जार्विक, सेवन, ठीक है, हाँ जी, जो पहला हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ वो तो आप लोगों को बता दिया, ठीक है। हार्ट ट्रांसप्लांट सबसे पहली बार किसने किया था, बर्नार्ड ने, लेकिन यहाँ पे बात जो हुई है वो हुई है आर्टिफिशियल हार्ट ट्रांसप्लांट की, ठीक है, आर्टिफिशियल, ठीक है, कृत्रिम हृदय प्रत्यारोपण। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो पहला कृत्रिम हृदय प्रत्यारोपण था वो जार्विक नाम के वैज्ञानिक ने किया था, ठीक है, और जो ये हार्ट था इसका नाम दिया था जार्विक सेवन, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, तो यहाँ पे आप क्या याद रखेंगे, जार्विक सेवन पहला कृत्रिम हृदय प्रत्यारोपण था। तो 28 का आपका सी आंसर ठीक है, यहाँ पे जितने भी लोग सी आंसर कर रहे हैं सभी के आंसर ठीक होने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सबसे पहले इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम को किसने रिकॉर्ड किया, ठीक है, हु फर्स्ट रिकॉर्ड द इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, इंथोवान, वोलर, वीनर या इनमें से कोई नहीं। 29 का आंसर्स करेंगे, ठीक है, आप सभी लोगों के आंसर्स ठीक हैं, ठीक है स्टूडेंट, 29 का आंसर्स करेंगे सभी लोग। प्रतीक्षा भी आंसर कर रहे हैं,
चलिए, हाँ यही बताना है आपको। सबसे पहले इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम को किसने रिकॉर्ड किया था? पूजा, रश्मि, रितु, सोनम, जुनेद, आदित्य। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे आपको आंसर्स करना है। ठीक है, स्वाति, प्रियंका, हाँ जी सभी के आंसर्स ठीक आ रहे हैं यहाँ पे। अर्जुन मौर्य भी, जो आपका ये बॉलर थे इन्होंने क्या किया था, सबसे पहले इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम को रिकॉर्ड करके देखा था। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम के बारे में मैंने आपको बताया है कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम एक क्या होती है, मशीन होती है ना, इससे हम हार्ट की गति जो होती है, मतलब किस टाइप से वो गति कर रहा है ना, मूव कर रहा है, उसको देखते हैं। इसको इंथोवान ने बनाया, इसलिए उनको फादर ऑफ ईसीजी कहा गया। लेकिन सबसे पहले इसको रिकॉर्ड करने के बारे में अगर बात आएगी कि सबसे पहले उसको चला के किसने देखा कि कैसे वर्क करती है, कैसे फंक्शन करती है, तो उसके लिए सबसे पहले किसने उसको यूज़ किया था, तो वोलर नाम के वैज्ञानिक ने यूज़ किया था। ठीक है, तो आप लोगों को याद रखना है कि सबसे पहले इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम को वोलर ने रिकॉर्ड करके देखा। विनीत, सना, ठीक है सभी लोग आंसर्स कर रहे हो, सभी के आंसर ठीक हो रहे हैं मोस्टली। ठीक है, आदित्य 29B, चलिए स्वाति, कामिनी, अर्जुन, सना, विनीत, विजेंद्र। ठीक है, चलिए चलिए स्टूडेंट, यहाँ पे आप लोग एक बार इसको शेयर और लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हृदय की परत को कितने भागों में बांटा गया है? हाउ मैनी पार्ट ऑफ द हार्ट लेयर आर डिवाइडेड? ठीक है, 2, 3, 4 या इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। ठीक है, चलिए बताइएगा। हृदय की परत को कितने भागों में बांटा गया है? 2, 3, 4 और 5। आंसर्स करेंगे सभी लोग। 30B, विजेंद्र, आदित्य, कामिनी। कितने क्वेश्चन है सर? मैम 35 या 36 क्वेश्चन है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। आसु यादव, वंदना, प्रतीक्षा, चलिएगा श्वेता, SSC B, रितु, नैना, स्वाति, शिवानी। बी आंसर्स कर रहे हैं आप लोग, 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। चलिए स्टूडेंट, हृदय की जो परत होती है उसको 3 पार्टों में डिवाइड किया गया है। आप लोगों को पता होगा हार्ट के ऊपर एक लेयर चढ़ी होती है, ये जो लेयर होती है इसको बोला जाता है पैराकार्डियक मेम्ब्रेन। ठीक है, क्या बोला जाता है? पैराकार्डियक मेम्ब्रेन। ठीक है स्टूडेंट, और हृदय की खुद की लेयर के बीच में और इस पैराकार्डियक मेम्ब्रेन के बीच में एक लिक्विड या फ्लूड भरा होता है, उसको बोला जाता है पैराकार्डियक फ्लूड। ठीक है, उसको बोला जाता है पैराकार्डियक फ्लूड। ये मेम्ब्रेन और ये द्रव हेल्प करता है कि अगर हार्ट पे कोई ऊपर से चोट लगे तो उससे उसकी क्या करेगा, वो रक्षा करता है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये 3 भागों में डिवाइड रहती है पैराकार्डियक मेम्ब्रेन। इसके 3 भाग जो होते हैं वो होते हैं एपिकार्डियक, जो बाहरी परत होती है। ठीक है स्टूडेंट, मायोकार्डियक, जो मध्य परत होती है, और थर्ड वाली होती है एंडोकार्डियक। ठीक है स्टूडेंट, एंडोकार्डियक जो भीतरी परत होती है। तो आप लोगों को याद रखना है कि 3 परतों में इसको डिवाइड किया गया है। तो सभी के आंसर्स यहाँ पे बी हैं, तो आप लोगों के आंसर्स ठीक हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, धमनियों में किस प्रकार का रक्त पाया जाता है? व्हाट टाइप ऑफ ब्लड इज फाउंड इन ऑर्टरी? ये सभी धमनियों के लिए बात हो रही है, तो उसमें पूछा है अशुद्ध रक्त, शुद्ध रक्त, दोनों या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आप लोगों को आंसर्स करना है, धमनियों में किस प्रकार का रक्त पाया जाता है, मतलब कि जो आपकी ऑर्टरीज होती हैं उसमें जो ब्लड फ्लो करता है तो किस टाइप का ब्लड फ्लो करता है। चलिए आप लोग आंसर्स करेंगे, 4 या 5 क्वेश्चन अभी आपके बचे हुए हैं। चलिए आंसर्स कर रहे हैं जुनेद, विजेंद्र, रश्मि, कल्पना, सना, चलिए आदित्य, पूजा, वंदना, आशु, नैना, श्वेता, प्रतीक्षा,
ऋतु, अंशु, स्वाति, शिवानी, ठीक है। सभी लोग बी आंसर्स कर रहे हैं। यहाँ पे धमनियों में किस प्रकार का रक्त पाया जाता है? प्योर ब्लड, एक्सपेक्ट पल्मोनरी आर्टरी, विजेंद्र पाल बता रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल सही है आपका। तो जो जितनी भी धमनियां होती हैं उनमें सभी में शुद्ध रक्त पाया जाता है। हाँ जी आदित्य चाय पी रहे हैं। तो आप लोगों को याद रखना है कि धमनियां जो होती है हमारी आर्टरी, उसमें प्योर ब्लड होता है, ठीक है। कैसा ब्लड होता है? प्योर ब्लड होता है। और जो आपकी वीन्स होती हैं जितनी भी, तो मोस्टली वीन्स में कैसा ब्लड होता है? इम्प्योर ब्लड होता है, ठीक है। कैसा ब्लड होता है? इम्प्योर ब्लड होता है। लेकिन इन दोनों में ही एक्सेप्शन केस होता है, अपवाद होता है। और जो अपवाद होता है वो होता है पल्मोनरी के नाम से, ठीक है। क्या बोलते हैं उनको? पल्मोनरी। हिंदी में इसको कहा जाता है फुफ्फुस। तो जो पल्मोनरी होती हैं, अगर हम बात करेंगे यहाँ पे पल्मोनरी धमनी की, तो इनमें अशुद्ध रक्त होगा। और जो पल्मोनरी सिराए होती हैं उनमें शुद्ध रक्त होगा। तो ये आपके दोनों अपवाद होते हैं, एक्सेप्शन होते हैं, इनको याद रखेंगे आप लोग। हाँ जी सभी के कंचन, विजेंद्र, आदित्य, ठीक है आदित्य, मान लेते हैं बात आपकी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में किस प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? व्हाट टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम इज फाउंड इन ह्यूमंस, ठीक है। एकल एवं खुला, मतलब सिंगल और ओपन, एकल एवं बंद, सिंगल और क्लोज्ड, डबल एवं खुला, डबल एंड ओपन, डबल एवं बंद, डबल एंड क्लोज्ड, ये आप लोगों को करना है। मनुष्य में किस प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? आंसर्स करेंगे आप सभी लोग। चलिएगा 32 का डी, विजेंद्र, डबल एवं बंद। चलिए बाकी भी आंसर करेंगे, आदित्य 32 डी, वंदना 32 डी, राशि डी, श्वेता डी, ऋतु, अंशु, पूजा। चलिए आप सभी लोग डी आंसर्स कर रहे हैं, कामिनी, शिवानी, आदित्य। हाँ जी आदित्य कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। रश्मि, सोना, प्रतीक्षा, अर्जुन, नैना, ठीक है। सभी लोगों के आंसर यहाँ पे डी आ रहे हैं। तो स्टूडेंट आप लोगों को पता है, आप लोगों को बताया गया है कि जो 32 होगा तो उसमें क्या होता है, मनुष्य के अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम जो पाया जाता है, ये आपको मैंने बताया कि क्लोज्ड होता है, ठीक है। लेकिन आप लोगों को याद रखना है ये क्लोज्ड के साथ साथ कैसा सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। जितने भी आपके मैमल्स होते हैं उन सभी में डबल सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, ये आप लोगों को याद रखना है। विपिन आंसर्स कर रहे हैं, कल्पना आंसर्स कर रहे हैं, ठीक है। हाँ कोई नहीं, जिनको नहीं पता है, ठीक है। चलिए विनीत आंसर्स कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपका आंसर होने वाला है डी, डबल एवं बंद, डबल और क्लोज सिस्टम पाया जाता है जितने भी मैमल्स होते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हृदय के धड़कने में कौन से आयन सहायता करते हैं, ठीक है। विच आयन्स हेल्प इन बीटिंग द हार्ट, ठीक है। जो हमारी हार्ट बीट होती है तो उसमें कौन से आयन हेल्प करते हैं? कैल्शियम, फॉस्फोरस, पोटेशियम, इनमें से कोई नहीं। हाँ यहाँ पे ऐसे कमेंट ना करें आप, ठीक है। चलिए आपको आंसर करना है स्टूडेंट 33 का। चलिए 33 क्वेश्चन का आंसर करेंगे, हृदय के धड़कने में कौन से आयन सहायता करते हैं? कैल्शियम, कोई नहीं। यहाँ पे आप लोग पढ़ाई पे ध्यान दीजिएगा, ये कहाँ आप आपस में लग गए हैं लड़ाइयाँ करने पे, ठीक है। चलिए सी आंसर्स कर रहे हैं मोस्टली लोग, स्वाति, राजश्री, पूजा, कामिनी, जुनैद, विजेंद्र, विपिन, चलिए आदित्य, सभी के आंसर सी आ रहे हैं ना। तो आप लोगों को याद रखना है कि हृदय के धड़कने में पोटेशियम आयन सबसे ज़्यादा हेल्प करता है, जिसको हम के से सो करते हैं, ठीक है। तो पोटेशियम आयन क्या करता है आपको? हृदय के धड़कने में हेल्प करता है, ठीक है। चलिए सी कर रहे हैं आदित्य, विपिन, अर्जुन मौर्य, हाँ जी सबका आंसर ठीक है। जो के होता है पोटेशियम, वो हेल्प करता है हृदय के धड़कने में या बीट को कंट्रोल करने में। चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है, उभयचर में किस प्रकार का तंत्र पाया जाता है, ठीक है। व्हाट टाइप ऑफ मैकेनिज्म इन फाउंड इन एम्फीबियन, एकल एवं खुला जिसको सिंगल और ओपन बोलते हैं, एकल एवं बंद, सिंगल और क्लोज, डबल एवं बंद, डबल एंड क्लोज, या इनमें से कोई नहीं।
हाँ जी टीकप विपिन चरित्र 33। ठीक है 34 का आंसर करेंगे। उभयचर में किस प्रकार का तंत्र पाया जाता है, एम्फीबियन में किस प्रकार का सिस्टम पाया जाता है, सर्कुलेटरी सिस्टम की बात हो रही है यहाँ पे, तो आप बताएंगे इसमें। आदित्य, अर्जुन, सोना, रश्मि, वंदना, शिवानी, चलिए जुनैद, रितु, अंशु, प्रतीक्षा, कंचन। कुछ लोग बी आंसर्स कर रहे हैं यहाँ पे, कुछ लोग सी आंसर्स कर रहे हैं। ठीक है तो स्टूडेंट जितने भी उभयचर होते हैं यहाँ पे, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आप इसको कर सकते हैं। जितने भी उभयचर होते हैं तो ये तो आपको पता चल गया होगा कि उनमें कैसा पाया जाता है, तो उनमें बंद पाया जाता है। ठीक है तो यहाँ पे बंद दो ऑप्शन में है, लेकिन यहाँ पे जितने भी उभयचर होते हैं, उभयचर मतलब एम्फीबियन होते हैं, जैसे मेंढक वगैरह होते हैं, ठीक है, जो जल और थल दोनों पे रह सकते हैं, तो उनमें एकल मतलब कि सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, और कैसा होता है, बंद, मतलब कि आप लोगों का बी आंसर ठीक है। विपिन बी कर रहे हैं, कामिनी, राजश्री, चरित, वंदना श्रीवास्तव, प्रियंका, कंचन, प्रतीक्षा, अंशु, जुनैद, नैना, यशवी, वंदना। ठीक है तो जितने भी लोग बी आंसर्स कर रहे हैं आप लोगों का आंसर ठीक होने वाला है, एकल और बंद प्रकार का उसमें तंत्र पाया जाता है। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की, हु डिस्कवर्ड द सर्कुलेटरी सिस्टम, वीनर, विलियम हार्वे, वर्नार्ड, या इनमें से कोई नहीं। परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की, हु डिस्कवर्ड द सर्कुलेटरी सिस्टम। चलिए 35 का भी आंसर कर रहे हैं, विजेंद्र, स्वाति, प्रतीक्षा, आदित्य, रश्मि, शुभम, प्रियंका, रितु, अर्जुन, कामिनी, कंचन, विनीत। चलिए मोस्टली लोग यहाँ पे बी आंसर कर रहे हैं, परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की, तो आप लोगों को बताना है कि परिसंचरण तंत्र की खोज विलियम हार्वे ने की। ठीक है चरित 35 का बी, शिवानी बी, विलियम हार्वे ने क्या किया, परिसंचरण तंत्र की खोज की थी, सनुगोचर बी। ठीक है और आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि जो परिसंचरण तंत्र की खोज की थी वो विलियम हार्वे ने की, और ब्लड की खोज जो की थी वो कार्लाइन स्टीनर ने की थी। ठीक है तो विलियम हार्वे ने परिसंचरण तंत्र की खोज की, लेकिन तब तक जो हमारे शरीर में ये लिक्विड पाया जाता था जिसको हम आजकल ब्लड बोलते हैं, तब उसको ब्लड नाम नहीं दिया गया था, क्योंकि कार्लाइन स्टीनर ने ये जो खोज की थी 1901 के समथिंग की थी। तो इसलिए यहाँ पे विलियम हार्वे ने जब खोज की थी तो उन्होंने बताया था कि हमारी बॉडी के अंदर एक लिक्विड पाया जाता है जो इन अंगों की सहायता से गति करता है या एक जगह से दूसरी जगह तक जाता है। हाँ जी कामिनी बता रहे हैं 1628। ठीक है विलियम हार्वे ने ये खोज की 1628 में की थी। ठीक है ये ध्यान रखना है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक ऐसा व्यक्ति जिसमें हृदय बाई ओर ना होकर दाई ओर होता है यह अवस्था कहलाती है। आदित्य, मेरी क्लास होती है लेकिन ऑफलाइन क्लास मेरी अभी इस टाइम में नहीं है। ए पर्सन इन हुम द हार्ट इज नॉट ऑन द लेफ्ट साइड बट ऑन द राइट साइड, दिस कंडीशन इज कॉल्ड हर्टोकार्डिया, कार्डियोग्राम, डेक्स्ट्रोकार्डिया, इनमें से कोई नहीं। ये आपको आंसर करना है। चलिए आंसर करेंगे 36 का आप लोग, विजेंद्र पाल सी, शुभम सागर सी, अर्जुन ए। आप सभी लोगों के आंसर आ रहे हैं। चलिए वंदना श्रीवास्तव सी आंसर कर रहे हैं, प्रतीक्षा सी, रितु। ठीक है स्टूडेंट, हाँ जी तो आपका ये जो आंसर्स होने वाला है यहाँ पे वो होने वाला है डेक्स्ट्रोकार्डिया। ठीक है जो डेक्स्ट्रोकार्डिया होता है वो एक प्रकार की डिजीज भी बोला जाता है, जिन लोगों में जो हर्ट होता है उसका, जो किसी भी इंसान के अंदर जो हर्ट होता है आप लोगों को पता है वो किस तरफ होता है, बाई ओर होता है, मतलब कि लेफ्ट साइड होता है, मोस्टली पार्ट जो होता है उसका किस ओर होता है, लेफ्ट साइड। तो लेफ्ट साइड में हर्ट होता है सेंटर की स्टर्नम बोन से वो जुड़ा होता है या उससे लगा होता है, और लगभग 90 ग्राम तक जो उसका वजन होता है वो बीच में होता है और बाकी लेफ्ट साइड में होता है। ठीक है
तो यहाँ पे जो हर्ट है किसी इंसान का, अगर बाई ओर ना होकर वो दाई ओर हो, तो वो एक डिजीज से पीड़ित होगा और उसको बोला जाता है डेक्स्ट्रोकार्डिया। ठीक है स्टूडेंट, तो उसको क्या बोलते हैं? डेक्स्ट्रोकार्डिया बोलते हैं। तो आप लोगों को याद रखना है, डेक्स्ट्रोकार्डिया एक डिजीज होती है जिनमें हर्ट जो होगा वो दाई ओर होता है, और हमारा हर्ट जो होता है वो सेकंड से लेकर और सिक्स्थ वाली रिब्स के बीच में स्थित होता है, मतलब जो पसली होती है दूसरे से छठे नंबर की, उसके बीच में हर्ट स्थित होता है। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे 12 × 9 × 6 सेंटीमीटर तक का हो सकता है, मतलब 12 सेंटीमीटर उसकी लंबाई, 9 सेंटीमीटर चौड़ाई और 6 सेंटीमीटर उसकी मोटाई होती है। ठीक है, चलिए, थैंक यू। ठीक है, आज के लिए हमारा सेशन इतना ही होने वाला है। आप लोगों ने, सभी ने आंसर्स किए हैं, चलिए, और सभी के आंसर सही हुए हैं। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, लाइक शेयर कमेंट करें। थैंक यू।